लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। शिवसेना उपनेता विजय नाहटा ने आज नेरुल और सानपाड़ा के विविध प्रभागों में दिवाली फराल का वितरण किया। बेलापुर विधानसभा क्षेत्र में यह मदद अभियान विजय नाहटा फाउंडेशन और नवी मुंबई शिवसेना की ओर से चलाए गए। उन्होंने कहा कि आर्थिक तंगी के बीच सामान्य परिवारों में भी खुशहाली के साथ दीपावली मनाई जाए, इस मकसद से यह मदद कार्यक्रम चलाया जा रहा है। दिवाली पर्व पर गरीबों और सामान्य घरों में भी खुशहाली के दिए जलें, इसके लिए शिवसेना उपनेता विजय नाहटा बेलापुर क्षेत्र के हजारों परिवारों तक दिवाली फराल और खाद्यान्न पहुंचाने में जुटे हैं। आज उनका काफिला सानपाड़ा और नेरुल के विविध प्रभागों में राहत की सौगात बांटता नजर आया। इसकी शुरुआत सानपाड़ा में बाबा इंदौरे के प्रभाग 79 से हुई। उसके बाद सानपाड़ा मार्केट में उपजिला प्रमुख मिलिंद सूर्यराव के जरिए जरूरतमंदों तक दिवाली फराल का वितरण किया गया। इस दौरान पूर्व नगर सेवक सोमनाथ वास्कर के प्रभाग में भी सैकड़ों परिवारों को दिवाली की सौगात बांटी गई। नेरुल के आगरीकोली भवन में दिलीप आमले, संतोष घोसालकर और संतोष मोरे तथा नेरुल सेक्टर 11 और 15 में संजय भोसले एवं अरुण गुरव के प्रभाग में भी नागरिकों को दिवाली फराल का वितरण किया गया। विजय नाहटा ने एलपी शिवाजी नगर में चंद्रकांत आगुंडे के यहाँ तथा सिरवने में ज्ञानेश्वर सुतार और श्रीकांत भोर तथा विसाजी लोके के प्रभाग में भी जरूरतमंद नागरिकों को दिवाली फराल की सौगात बांटी। मदद का हाथ बढ़ाने वाले उपनेता विजय नाहटा ने इस अवसर पर क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। आज सानपाड़ा प्रभाग क्रमांक 79 मध्ये दीपावली फराळाच्या साहित्याचं वाटप ठेवण्यात आलं होतं। परवापासून आम्ही या शहरामध्ये या मतदारसंघामध्ये सगळ्याच गरीब माणसांना गरजू माणसांना दिवाळीच्या फराळाच्या साहित्याचं वाटपाचा कार्यक्रम चालू केलेला आहे। या 2 दिवसांमध्ये साधारण 40 ठिकाणी आत्तापर्यंत वाटप करण्यात आलेलं आहे आणि राहिलेलं वाटप 29 तारखेला आम्ही करणार आहोत। आणि त्यांना विनंती करण्यात आली की आम्ही ही जी काही सेवा करतो आहोत त्याचा आपण कृपया स्वीकार करावा। शिवसेना हे काम वर्षानुवर्ष रात्रंदिवस करत असतं, कोरोनाच्या काळामध्ये खूप केलेलं आहे आणि भावी काळातही अशाच पद्धतीने चालू ठेवील। आणि या दीपावलीच्या निमित्ताने या सगळ्या मंडळींना मी खूप शुभेच्छा देतो।
ब्यूरो रिपोर्ट टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।